स्वच्छता सर्वेक्षण में दुनिया के 4,320 देशों में नोएडा को मिला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चेन्नई ने जीता स्वच्छ सिटी अवार्ड्स। सीएम चन्नी का केंद्र पर निशाना, पहले किसान को परेशान किया और अब हितैषी बनने का प्रयास। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी, संदीप तिवारी और उसके बेटे के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट। रायबरेली का जिला अस्पताल बना ताली बिना, बरसात के ही टापू में तब्दील हुआ अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी से सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने पर बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, बिल तो आते जाते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर बन जाएंगे, लेकिन मोदी जी के लिए राष्ट्र पहले है, इसलिए इन्हें बिल वापस लेने की बात कही है। क्योंकि जो तथा कथित किसानों के बीच में खालिस्तान पाकिस्तानी के नारे जो लगाते थे, उनकी मंशा पर प्रधानमंत्री ने पानी फेर दिया है। वहां उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तंज कसते हुए उन्होंने पाकिस्तान में रहने की सलाह दी है। यूपी में बीजेपी 2022 में 300 पार, इस बिल का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अव्यक्त गठजोड़ में, उनके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। खबर मैनपुरी से है, जहां कृषि कानून बिलों को वापस लिए जाने के बाद राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। हरनाथ सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत विदेशी ताकतों के संपर्क में है, किसान कानूनों के खिलाफ मुट्ठी भर किसान आंदोलन में शामिल थे। हरनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राकेश टिकैत की संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बात करते थे जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, जब कृष्ण के मंदिर की बात करते हैं, तो उनके ट्वीट उठा के देखिए। मैंने पार्लियामेंट के गेट के सामने खड़े होकर के एक बयान दिया था, उसका उनके समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने विरोध किया था। तो ये अखिलेश का बयान जो है अनर्गल है और बेईमानी है, केवल वोट की राजनीति को करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से इस मत का हूँ कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर, जिस पर आधे हिस्से पर मस्जिद खड़ी है, वो मुक्त होने चाहिए। और मुस्लिम भाइयों से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो नारा देते हैं, चर्चा देते हैं, उन्हें दिल चौड़ा करके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप। उन्नाव के बार एसोसिएशन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां प्रेस वार्ता में बार अध्यक्ष के पद पर सातवीं बार निर्वाचित हुए सतीश शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उनकी हर समस्या का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ताओं से अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे उन्नाव बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी आए। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार मरणोपरांत अधिवक्ताओं में 1,00,000 आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। विगत दो कार्यकालों में कुछ डगमगाया है, अधिवक्ता समाज और अधिवक्ताओं की गरिमा भी कुछ कम हुई है उन्नाव के, तो अधिवक्ता समाज को, अधिवक्ताओं को उन्नाव बार एसोसिएशन की गरिमा को पहले की तरह स्थापित करना, और चूंकि मैं 6 बार अध्यक्ष पहले भी रहा हूँ, 7वीं बार निर्वाचित हुआ हूँ, हमारे पिछले कार्यकालों में बार और बेंच कार्यपालिका का सामंजस्य बहुत अच्छा रहा है। ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यकाल में ये सामंजस्य पहले की तरह ही नहीं होगा, बल्कि और मजबूत होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब तक बार बेंच और कार्यपालिका का
सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर लगने वाला कपिल वस्तु महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने फीता काट कर किया। ये महोत्सव 20 से 24 नवंबर तक लगाया जाएगा। बीएसए कार्यालय ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जबकि सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। कामना दी कि जिस प्रकार से इन दोनों चीज़ों के ऊपर लोगों के अंदर उत्साह और प्रेरणा देखी है, वो देखकर बड़ी खुशी होती है कि किस प्रकार जिला, जिसको कि लोग बाग पहले पीछे मानते थे, अब वो कैसे अग्रणी बनता जा रहा है। बहुत खुशी हुई और जिस तरीके से ये सारा कार्य हो रहा, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव। सिद्धार्थनगर के विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नकुल चौधरी के नेतृत्व में आज सभी संविदा कर्मी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जिला अध्यक्ष व्यास जी चतुर्वेदी के आह्वान पर अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम नकुल चौधरी, इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का पूर्वाध्यक्ष हूँ। 7 सितंबर से हम लोग का कर्मी कंसर्न चल रहा है इको गार्डन में, जिसमें बीच बीच में हम लोग का अलग अलग प्रोग्राम लगा। अब 18 नवंबर से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना एवं कार्य बहिष्कार चल रहा है, जिसमें हमारी तमाम प्रमुख मांगे हैं जो सरकार द्वारा ही पूरा किया जा सकता है और प्रबंधन के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस समय अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारे बीच से ठेकेदार को हटाकर हम। रायबरेली का जिला अस्पताल आज बिना बरसात के ही टापू में तब्दील हो गया। बच्चा वार्ड से लेकर अल्ट्रासाउंड चैम्बर तक पूरा इलाका जलमग्न हो गया। वार्डों में और अल्ट्रासाउंड चैम्बर के अंदर पानी भर जाने से घंटों मरीजों की जान सांसद में रही। पानी भर जाने के कारण मेन सप्लाई का टैप किसी शरारती तत्व ने खोल दिया था, ऐसा यहां एक एक कर्मचारियों का कहना है। कहां आए हैं आप? हम अल्ट्रासाउंड के लिए आए तो सामने फ्रंट का रास्ता बंद कर दिया गया था, पूछने पे कुछ बताया नहीं गया। फिर दूसरे रास्ते से हम आए तो पूरे वार्ड पूरा जलमग्न था और सारे मरीज यहाँ जितने भी लोग हम लोग आए हैं बहुत बहुत समस्याओं को झेलने गए। पैरों के जूते चप्पल सब भीग चुके हैं, कपड़े, पूरे वार्डों में पानी भरा हुआ है, जबकि अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर भी पानी भरा हुआ है, सिटी स्कैन के अंदर रूम में पानी भरा, हर जगह पानी भरा हुआ है। कहीं न कहीं जिला अस्पताल की लापरवाही है जिसके कारण से हम लोगों को दिक्कत का झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मरीज आए हुए थे उन्हें भी क्या दिक्कतें हुई है, क्योंकि लगातार लोग अल्ट्रासाउंड दिक्कतें ये आ रहे हैं कि वो वार्डों में नहीं जा सकते, अपने मरीजों से नहीं मिल सकते हैं अल्ट्रासाउंड। रायबरेली पहुंचे SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों की समीक्षा की और सीधे पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। आगे उन्होंने कहा कि योगी सरकार में SC/ST के प्रति होने वाले अपराध कम हुए हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। जब से हम अध्यक्ष बने हैं तो अध्यक्ष बनने के नाते ये हमारे आयोग ने सबसे पहले ये संकल्प लिया कि हमारा आयोग जनता के द्वार तक जाएगा। तो मेरे साथ में मेरे 2 माननीय उपाध्यक्ष हैं और 15 माननीय सदस्य हैं। तो हमने पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट करके सबको कर दिया कि आपको इन दिनों में जनसंपर्क रखना है, लोगों से मिलना है, सीधे बात करनी है और जनता से मिल करके उनकी समस्या जो भी उनको लेना है उसका निराकरण कराना है। जब कभी मेरा जाना होता है तो मैं वहाँ के जनपद के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से वार्ता करता हूँ, उनकी समीक्षा बैठक करता हूँ और साथ में जो है एक कोशिश मेरी ये भी रहती है कि मैं जनपद में किसी न किसी अनुसूचित समाज की बस्ती में जाऊँ और वहाँ सीधा लोगों से मिलता हूँ और उसका लाभ ये मिलता है कि उनकी क्या क्या परेशानी वो मुझे पता लगती हैं और आयोग से जो भी उनकी अपनी केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार की जो भी योजना है उनका। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को आनन फानन में CHC लालगंज इलाके में इलाज के लिए भेजा गया। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।
रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य उद्देश्य आम जनसभा को भारत के इतिहास से अवगत कराना है। वहीं भारत माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सह प्रांत प्रचारक मनोज मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने भारत के इतिहास को दोहराते हुए लोगों को क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, साथ ही आम जनमानस भी कार्यक्रम देखने के लिए मौजूद रहे। कांग्रेस ने मैनपुरी में किसान विजय पद यात्रा निकाली, जिस दौरान बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी तीनों बिलों की वापसी की घोषणा को लेकर किसानों के चेहरे खिल गए, तो वहीं किसानों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर एक दूसरे पर मिठाई खिलाई। वहीं पूरे देश में किसानों के चेहरे खिल गए, जो कि निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साल पूर्व लेना चाहिए था, वे आज उन्होंने 14 महीने बाद लेने का निर्णय लिया है, उनकी वह सराहना करते हैं। तो वहीं किसानों की हुई विजय को लेकर कांग्रेस भी किसानों की लड़ाई और जीत में मुख्य भूमिका बता रहे हैं। देखिए, इस कार्यालय पे जो हम बैठक कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें मौजूद हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विनीता जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दुबे जी और वरिष्ठ कांग्रेसी जन यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पे कृषि के कानून जो कल भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने वापस लिए हैं, उसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। हमारा उपदेश ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, लगातार जब से ये कृषि कानून बिल थोपे गए थे, पूरी कांग्रेस पार्टी ज़मीन से लेके संघर्ष कर रही थी और आज उस संघर्ष का नतीजा ये है। कानपुर नगर में फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर महिला से वसूली की जा रही है। बता दें कि आपसी दोस्तों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद चौकी रतनलाल नगर में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया और महिला से 30,000 से लेकर 50,000 तक की घूस मांगी जा रही थी। फरुखाबाद फतेहगढ़ कोतवाली के गांव कुडरी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां दो ईसाई धर्म के प्रचारकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दो दिन से जिले में चल रहा था धर्मांतरण का कार्यक्रम। धर्मांतरण की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने दो ईसाई धर्म प्रचारकों को गिरफ्तार किया है। ये कल सूचना मिली थी, कुडरी गांव में धर्मांतरण चल रहा है और आज 11 बजे प्रार्थना है, तो हम लोग जो है इसमें वहां से अपनी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लेकर और स्थानीय पुलिस चौकी के पुलिस इंचार्ज अमित जी को लेकर के वहां पहुंचे, तो वहां पे वास्तव में चल रहा था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी इनके पास से बरामद हुए। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर डीडीयू नगर के रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के तत्वधान में अमृत महोत्सव के तहत अमृता देवी स्मृति प्रकृति पूजन और वृहद प्रथा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संगीतज्ञ अनुराधा पौड़वाल ने कहा कि मैंने भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत काम किया है और गाँव को गोद लेकर लाखों वृक्ष लगवाने का कार्य किया है। आज वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम रहा, जिसकी अध्यक्षता अपने प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौड़वाल जी ने किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी गोपाल आर्य जी उसके मुख्य अतिथि रहे। आज 690 वृक्ष लगाए हैं और निकट भविष्य में हम लोग यहाँ पे 7,000 वृक्ष और लगा। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां धान का कटोरा कहे जाने वाले जनपद चंदौली में कृषि बिल वापसी को लेकर किसानों में खुशी का माहौल है और किसान इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी और इसे किसानों की जीत बताई। मेरा नाम केदार यादव है, किसान नेता के नाम से जाना जाता हूं। कृषि बिल वापस ऐलान हुआ, पीएम मोदी ने क्या क्या कहना आपका? पीएम मोदी ने जो ये कृषि बिल वापस किया है वो तो बहुत बधाई के पात्र है और साथ में ये जीत जो है पूरे देश के किसानों की जीत मानी जाएगी। काफी लंबे समय के आंदोलन के बाद जो मोदी जी ने ये काम किया है तो सराहनीय होगा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इसके
देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, लेकिन ये किसानों की जीत है, ना कि प्रधानमंत्री की जीत है। और मैं आपके माध्यम से एक मांग करता हूँ कि जो किसानों की शहादत हुई है, उन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री निधि से चाहे फंड से जो भी उनकी मदद हो, क्योंकि किसानों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, उसके बाद ये जीत मिली है। आज ये ऐलान हुआ है, जो वार्ता में हम भी न्यूज के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सुने हैं, लेकिन इसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उस पटल पे जब तक उस बिल की वापसी न हो जाए, मैं प्रधानमंत्री जी के बातों पे या भारतीय जनता पार्टी के बातों पे विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होना है तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और यह जीत हिंदुस्तान की हुई है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाई थी जो अब वायरल हो रही है। वीडियो में युवक ने आत्महत्या के लिए कुछ लोगों को दोषी ठहराया, वहीं अपने परिवार को निर्दोष बताया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शादी के कुछ ही दिनों बाद किसी बात को लेकर पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई थी। इसी बीच विवाहिता के पिता लड़की को अपने साथ ले गए थे। बाद में विवाहिता के पिता ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का नोटिस भेज दिया था। मृतक के परिवार की माने तो नोटिस भेजने जाने के बाद से पूरा परिवार परेशान था। भ्रष्टाचार कम करने को लेकर जहां प्रदेश सरकार प्रयासरत है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में बलरामपुर जनपद में नगर पालिका के नाम पर चल रहे अवैध वसूली और वसूली अड्डा को पुलिस ने नष्ट कराकर वसूली कर रहे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बलरामपुर जनपद के 3 स्थानों पर लगातार अवैध वसूली किया जा रहा है। वहीं ट्रक चालक, टैक्सी चालक व बाहर से आने वाले माल वाहन चालक पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे थे। इसको लेकर एक ट्रक चालक से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने आज ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत वसूली करने वाले अड्डों को जेसीबी से नष्ट करवा दिया। वसूली कर रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस अग्रिम विधि की कार्रवाई कर रही है। आगरा में थाना एतमादुल्ला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने महज 1 घंटे में फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूट का खुलासा किया। बल्केश्वर से ग्राहक बनकर आए 2 लुटेरे NH2 पर गाड़ी ले गए थे, जिसके बाद लुटेरों ने गाड़ी में बैठे मोटर्स ड्राइवर ट्रांस यमुना में धक्का मार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। जैसे ही मामले की जानकारी एतमादुल्ला पुलिस को मिली, तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 1 घंटे बाद ही 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था। कल 2 व्यक्ति सरदार का रूप धारण करके दुकान पर आए थे सिंधी मोटर्स पर। उनके द्वारा टेस्ट ड्राइव की इच्छा व्यक्त की गई थी। टेस्ट ड्राइव के लिए उन्होंने अपना जो ड्राइवर था उसके साथ इन दोनों को भेजा था। रामबाग पर जाकर इनके द्वारा ड्राइवर की आंख में मिर्ची डाल दी गई और उसे मारपीट कर तमंचा दिखाकर उसे नीचे धकेल दिया गया और गाड़ी लूट कर ले जाने लगे। इसकी 112 पर सूचना हुई ड्राइवर के द्वारा और तत्काल घेराबंदी की गई। आगे जाकर ये लोग महावीर ढाबे के पास ये लोग पकड़े गए और वहाँ पर जब इनसे पूछताछ हुई तो ये लोग सरदार नहीं थे और अनुराग नगर, जो कि थाना कमला नगर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के दोनों रहने वाले थे। और इन्होंने पूछताछ पर ये बताया कि क्योंकि कल गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व था, बहुत सारे जो सिख थे वहाँ पर आने वाले थे, तो हम भी ऐसा रूप धारण करके इसे ले जाते और फिर गाड़ी हम किसी दूसरे क्राइम में यूज़ करते। इसमें जो मनीष गौतम है वो पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी का, उस पर मर्डर का केस है और मारपीट के भी केस है इनके पास। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 36वें माइलस्टोन पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर 30 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसकी सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ने सभी घायलों को फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।